हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, क्लास 10th साइंस. दिस इज योर चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर वीडियो नंबर 65. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टेक योर रिवीजन. जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बच्चों कि ये चैप्टर हम पहले बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस रिवीजन में हम आपको पूरा सारे कंप्लीट चैप्टर के आपको सारे नोट्स के बारे में हम आपको पूरा समझाएंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में समझाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपका चैप्टर देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैग्नेट के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मैग्नेट. ठीक है बच्चों, डेफिनेशंस एंड जो अदर टॉपिक्स हैं मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिए हैं बच्चों, तो मैं डेफिनेशंस के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा. सबसे पहले मैग्नेट के बारे में देखते हैं बच्चों. मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है, आयरन जो है, जो प्रॉपर्टी आयरन की होती है, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील, इन सब की प्रॉपर्टी भी आपकी आयरन की तरह ही होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी ऑब्जेक्ट आपके, जिस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेट. तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बार मैग्नेट आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों. दिस इज योर बार मैग्नेट जिसमें आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें होते हैं. ठीक है, हमेशा जो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है एंड साउथ पोल में जाती है. ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में आपको समझाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक मैग्नेट बनाई है जिसमें से नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है एंड साउथ पोल में बच्चों एंटर कर रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है. एंड ये मैंने आपके सामने कुछ मैंने आपको बड़े लूप आपको दिखाए हैं जो आपके यहाँ पर आप पॉसिबल नहीं है जिन्हों ड्रॉ करना. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बड़े पोल्स आपको दिखाए हैं. मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड आउटसाइड द मैग्नेट जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, एंड इनसाइड द मैग्नेट आपकी होती है बच्चों साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर आपको हम बताएंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट. बच्चों आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि मैग्नेट को जो है हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो देखें आप सभी यहाँ पे एक मैग्नेट मैं बच्चों आपके सामने ले रहा हूँ. ठीक है, एक मैग्नेट मैंने आपके सामने ली है जिसमें आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाए गए हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, इस मैग्नेट को अगर हम यहाँ से सेपरेट आउट करते हैं तो सेपरेट करने पर जो हमारी दो मैग्नेट आपकी बनती हैं बच्चों, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको दो मैग्नेट आपको दिखाई हैं, तो इसमें आपके जो पोल्स हैं वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मैग्नेट को दोबारा से अगर मैं सेपरेट आउट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आपको जो मैग्नेट है वो आपको जो मैग्नेट आपको दिखाई देगी उसमें आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोबारा से आपके जनरेट हो जाएंगे. तो बच्चों इस पॉइंट से आप सीख रहे हैं कि मैग्नेट को हम जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया था बच्चों, किसने दिया था? ये ऑस्टर ने दिया था. किसने दिया था बच्चों? ऑस्टर ने दिया था. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑस्टर ने, हेनरी ऑस्टर, एचसी ऑस्टर इनका नाम था कंप्लीट. हेनरी ऑस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया था, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बताया गया था बच्चों? ठीक है, आपके पास में क्या था बच्चों? एक आपको पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था इन्होंने. ठीक है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक सर्किट को की से कनेक्ट किया, और जैसे ही की को जब कनेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो होने लगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां से देख रहे हैं बच्चों, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है यहां से. ठीक है, और इन्होंने इस सर्किट के पास में इन्होंने बच्चों क्या रखा? एक इन्होंने कंपास रखा. क्या रखा बच्चों? एक कंपास. ठीक है, कंपास में मैंने बच्चों आपको दिखाया है यहां पर, इसमें मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको दिखा देता हूं. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड ये साउथ. ओके स्टूडेंट्स, हमेशा जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ आपको मैग्नेट में जो नीडल है वो मैंने आपको दिखाई है नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो मैंने एरो आपको बनाया है, तो यहाँ पर ये आपकी अलाइन रहती है. लेकिन जैसे ही करंट आपका इसमें जो ये आपका ये कंडक्टर मैं आपके सामने ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक्स वाई,
इस कंडक्टर के ऊपर जब आप इस कंपास को लेकर जाते हैं, इस कंपास को जब इसके ऊपर रखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कि आपने इसमें देखा कि आपका जो कंसिस्टेंसी है, तो सॉरी जो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कंपास में, वो आपको कहाँ दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दिखाई देती है बच्चों नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। किधर दिखाई देती है बच्चों? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ दिखाई देती है। अगर हम कंपास को इस साइड में रखते हैं बच्चों, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखें। तो बच्चों मैंने आपके सामने कंपास बनाया है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें हमेशा डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम इस कंपास को राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम पी और क्यू के ऊपर अगर जब हम रखते हैं, तो आप देख रहे हैं इस थ्रेड में ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन दिखाई दिया था और स्टड को, वो दिखाई दिया था बच्चों किधर की तरफ? आपका नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। किधर दिखाई दिया था बच्चों? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। एंड जब एक्स वाई के ऊपर रखते हैं, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, वो आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ दिखाई दिया था। इसके बारे में मैंने बच्चों आपको कंप्लीट मैंने वीडियो में आपको पहले समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों आपका रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर केवल मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सारे पॉइंट्स को, एंड आपको मैं इनके डेफिनेशंस वगैरह भी सभी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो सभी बच्चे ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है नोट करिए बेटा सभी। तो यहाँ से बच्चों हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट को फ्लो कराया जाता है, सर्किट से वायर से प्रोड्यूस कराया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट करें सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको मैग्नेट के बारे में समझाया है। बच्चों मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट के बारे में आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन स्टील कोबाल्ट निकिल एक्सेट्रा। इस तरह की जो प्रॉपर्टी रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जो आयरन की तरह, स्टील की तरह, कोबाल्ट की तरह, निकिल की तरह, ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपके जो अट्रैक्ट होते हैं जिस ऑब्जेक्ट से, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है? तो बच्चों इट इज़ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच एग्जिबिट्स ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्टिव नेचर टू आयरन स्टील एक्सेट्रा। यानी बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर बार होती है, रेक्टेंगुलर बार होती है बच्चों, जिसमें आपके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसमें आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करती है और अट्रैक्टिव नेचर शो करती है आयरन के साथ और स्टील के साथ, इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। ये डायग्राम है बच्चों बार मैग्नेट का आपके सामने, जिसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आपके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि बार मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों बार मैग्नेट को मैंने जो है एक वायर से मैंने बांधा हुआ है और इसे सस्पेंडेड किया हुआ है, यानी लटकाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, रिजिड यानी फिक्स सपोर्ट से हमने उसे सस्पेंड किया हुआ है, कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम पोजिशन में, इन अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। द एंड ऑफ पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट डेट पॉइंट टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड एज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये आपके जो पॉइंट हैं वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। जो आपका साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो आपका नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करें बेटा सभी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका यहाँ पर, इट इज़ ऑब्जर्व यह देखा जाता है डेट मैग्नेटिक पोल्स लाइक पोल, सिमिलर पोल,
ठीक है, रिपल टू इच अदर, यानी मैग्नेट के जो सिमिलर पोल होते हैं नॉर्थ और नॉर्थ पोल, साउथ और साउथ पोल, वो आपस में बच्चों रिपल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों मैग्नेट की, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मीन्स, तो जब बच्चों मैंने अभी आपको मैंने करके दिखाया ये, किसी भी मैग्नेट को जब आप सेपरेट आउट करते हैं तो वो उसके पोल सेपरेट नहीं होते हैं। इफ ए गिवन बार मैग्नेट इज स्प्लिटेड अप इन टू पार्ट्स, उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट बिहेव एज ए कम्प्लीट मैग्नेट, तो जो हर पार्ट है, जो अलग अलग जो पार्ट है, वो एक कम्प्लीट मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करते हैं, हैविंग नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल, उनके अंदर नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल जनरेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर फोर पॉइंट बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व डैट अनलाइक पोल्स, जो अनलाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, तो बच्चों अपोजिट पोल्स कहते हैं मैंने, ठीक है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बच्चों आपको एक नोट पॉइंट दिया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। इन 1820 में एच सी ऑस्टर्ड, हेनरी क्रिस्टन ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेटेड डैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। हेनरी ऑस्टर्ड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखें, व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। ए कंपास कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पाइवेटेड मैग्नेट यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंटर विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बच्चों आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका ये क्या है बच्चों, ये एक कंपास है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, आप देख रहे हैं इसमें आपको एक निडल आपको दिखाई गई है बच्चों, निडल जो है वो पाइवेटेड है एक पॉइंट पर, वो फ्रीली मूव कर सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, वो हमें डायरेक्शन दिखाती है। जैसे कि आप निडल को देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये निडल आपका अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ये पॉइंट को नोट करेंगे, नोट करिए बेटा सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जिसमें फोर्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक फोर्स फील किया जाता है जिसकी वजह से कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स आपको दिखाई देता है बच्चों, वो सेम पोल्स में आपका, अगर मैग्नेट को मैग्नेट के साथ रखेंगे सेम पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर फोर्स फील किया जाता है इसे हम कहते हैं इट इज सेट टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी मैग्नेट के अंदर जहाँ पर जो फोर्स फील होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेट का। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी कंपास लें, इफ ए कंपास निडल इज ब्रॉट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कंपास निडल को लिया जाता है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है ऑफ ए मैग्नेट, द कंपास निडल डिफ्लेक्टेड एंड गेट्स अलाइन, जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और अलाइन कर जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो अलाइन कर जाती है। तो बच्चों क्या होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ की तरफ, किधर होती है बच्चों, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल ऑफ बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी वेक्टर से आपको दिखाई जाती है बच्चों। वेक्टर का सिंबल क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, यानी मैग्नेटिक में क्या होती है, अपनी डायरेक्शन होती है, इसमें अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप यहां से देख रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। बच्चों इसका मतलब क्या है देखें यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है, इज टेकन ली जाती है टू द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट, यानी नॉर्थ पोल जिधर की तरफ मूव करता है उधर की तरफ हम क्या लेते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बच्चों एक बार मैग्नेट मैंने आपको दिखाई है, आप बार मैग्नेट में बच्चों आप दो पोल देख सकते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग एट पोल्स. मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों, पोल्स पर होती है, एंड लेस होती है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स, यानी अदर प्लेसेस ऑफ पोल्स पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कम हो जाती है, जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड में दिखाया था. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है बच्चों टेस्ला. क्या होती है बच्चों? टेस्ला, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला. ये जो यूनिट ली गई थी बच्चों वो ऑनर साइंटिस्ट के ऑनर में ली गई थी. कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? निकोला टेस्ला. तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? टेस्ला. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से बच्चों. ऐसा यूनिट टेस्ला होती है. मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी वैक्टर होता है. ओके स्टूडेंट, नोट करें बेटा सभी. नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या है बच्चों आपका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, जिसमें आपका नॉर्थ पोल आपका मूव करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड end ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं. तो बच्चों मैंने आपको डायग्राम आपको दिखा रखा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है. मैंने कुछ जो ये आपकी फील्ड लाइन जो बड़ी बना रखी है, मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं एंटर करते हुए दिखाया बच्चों. ये बड़े पोल्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है. नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इंडिकेट करी जाती है किसी भी मैग्नेट में, वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से करी जाती है. तो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ देखने की मिलती है बच्चों? पोल्स पर. कहाँ मिलती है बच्चों? पोल्स पर. तो पोल्स पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है. एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन अदर पॉइंट्स ऑन द फील्ड लाइंस. अदर प्लेसेस से, जैसे बच्चों अदर प्लेसेस मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, इन प्लेसेस से ज़्यादा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पर होती है, क्योंकि पोल्स पर आपको डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, नोट करें सभी. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड ऑन साउथ पोल. नॉर्थ पोल से ये ऑरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों आप देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू अनदर, एक दूसरे के वो क्लोजर आ जाती हैं नियर द पोल्स. पोल्स के जब नज़दीक आती हैं तो वो क्लोजर आ जाती हैं ऑफ ए मैग्नेट, बट वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस. वो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर वो वाइडली सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस टू वन एनदर. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. चलिए बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन से मैं आपको और डायग्राम से हम आपको यहाँ पर समझाते हैं. डायग्राम में बच्चों आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट में, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन. यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी ओनली वन डायरेक्शन में होती हैं, और आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी वन डायरेक्शन में ही आता है. बट इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट वन अनदर, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है नॉर्थ पोल का प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अलोंग टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, आपके पास में दो फील्ड लाइन है. ठीक है बच्चों, दो फील्ड लाइन मैंने आपके दिखाई हैं, और इन दोनों फील्ड लाइंस में अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो हमें दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती हैं बच्चों. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर कहा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी.
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बच्चों कि जो भी फील्ड लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल टू ईच अदर होती है एवरी पॉइंट पर। तो बच्चों मैंने आपको और आपको समझाया है मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली सेम एट ऑल पॉइंट। यानी हर पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए और आपकी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम आपको डायग्राम से आपको समझाएंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ बार मैग्नेट। अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? तो बच्चों आप सभी को पता है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो डायग्राम फर्स्ट आपको समझ में आ गया, यहां पर आपकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आएगी। सेकंड डायग्राम में बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, बच्चों सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है यहां पर दो मैग्नेट आपके पास में है जिसमें आपके नॉर्थ पोल आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें आपकी जो फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही वो ज्वाइन करेंगी एक दूसरे को। तो यहां पर आपका रिपल्सन आता है। बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि सेम पोल होते हैं यहां पर नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल क्या है आपके सेम पोल हैं। क्या है बच्चों? सेम पोल्स आपको देखने को मिलते हैं डेट रिपल टू इच अदर। वो क्या करेंगे? विल रिपेल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम पोल्स विल रिपेल टू ईच अदर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको नॉर्थ पोल लेके दिखाया। अब बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं साउथ पोल। तो साउथ पोल से जो फील्ड लाइन निकलती हैं, तो बच्चों निकलती नहीं है, यहाँ पर साउथ पोल में फील्ड लाइन एंटर करती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? साउथ पोल में एंटर करती हैं, इसीलिए मैंने एरो अंदर की तरफ बनाया हुआ है, बट यहाँ पर भी आपको रिपल्सन का केस देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए बेटा सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बच्चों ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी जब हम सर्किट लेते हैं, सर्किट में से जब हम करंट फ्लो करते हैं और कंपास को जब इसके पास रखेंगे, ठीक है, तो डाउनवर्ड करंट की वजह से ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा एंड अपवर्ड करंट की वजह से ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका स्नो रूल। स्नो रूल क्या है? तो बच्चों स्नो रूल को देखें बेटा, SNOW, स्नो रूल क्या है? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मे बी इजिली रिमेंबर्ड बाय स्नो रूल। तो जो हमारा कंपास का जो नॉर्थ पोल है उसमें जो आपकी निडल होती है वो जो डिफ्लेक्ट कर जाती है उसको हम इजिली रिमेंबर कर सकते हैं बाय स्नो रूल से, एज पर रूल, जैसे कि रूल में आपने आपको बताया है, इफ द करंट फ्लोइंग इन ए स्ट्रेट वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मतलब अपवर्ड करंट, साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आपका करंट फ्लो करता है वायर में इज ओवर द मैग्नेटिक निडल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों आप देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका करंट डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में आपका जो निडल है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसे हम बोलते हैं बच्चों स्नो रूल। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए सभी बच्चे अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चों यहां पर आपको करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आपको दिखाया है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहां पर करंट जो आप देख रहे हैं इस कंडक्टर में एक्स से वाई की तरफ, वाई से एक्स की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये करंट फ्लो करेगा तो यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी बच्चों ये आपके राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। तो राइट हैंड थंब रूल में देख रहे हैं बेटा, थंब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो आपकी जो फिंगर्स हैं ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर कर्लिंग ऑफ फिंगर आपका ये कैसी फील्ड लाइन दिखा रहा है बच्चों, ये आपको दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। कैसे दिखा रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसका जस्ट पैरेलल डायग्राम में बच्चों आप देखते हैं डाउनवर्ड करंट है, अगर आप करंट अंगूठे को नीचे की तरफ रखें तो आपको जो देखने को मिलेगा तो आपको क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलता है। तो यही कंसेप्ट था बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट सोलेनोइड। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इन द स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड बट व्हेन द करंट फ्लोज इन स्ट्रेट कंडक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न शो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको इस तरह से डायग्राम फर्स्ट में और डायग्राम सेकेंड में आपको देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। बेटा आप वीडियो को पॉज करके, अगर जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो वीडियो के नोट्स से, इस रिवीजन वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि बच्चों मैंने भी आपको समझाया था, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट अगर आपका अपवर्ड फ्लो होता है, करंट अगर आपका थंब की डायरेक्शन में है, तो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर आपका दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है बच्चों मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, अपने थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और जो हमारी कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका यहाँ पर मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। ये क्रॉक स्क्रू, यानी इसको बच्चों हिंदी में बोल सकते हैं हम इसे पेचकस। तो बच्चों पेचकस को लिया हमने और उसे हम कस रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करेंगे वो डायरेक्शन आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जैसा देख रहे हैं आप, इसे अगर हम नीचे की तरफ अगर हम इसे पुश करते हैं तो आपका जो ये क्लॉकवाइज आपका आता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आपका ऊपर की तरफ निकल के आएगा, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसके हैंडल के अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करें बेटा सभी से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ पर आपको समझाया है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो बेटा मैंने ये आपको वीडियो से पूरा कंटेंट पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो बेटा हमने एक वायर लिया, वायर को हमने सर्कुलर लूप में हमने बैंड कर लिया और एक कार्डबोर्ड में उसे हमने इस तरीके से फिट कर दिया। तो आप देख रहे हैं सर्किट से जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं और आपका करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएगा, जिधर आपका अपवर्ड करंट फ्लो होगा उधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, और दूसरी डायरेक्शन में जब आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है डाउनवर्ड करंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपको इंक्रीज करना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है बच्चों, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड है आपका बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आर क्या है बच्चों, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप्स। जैसे जैसे लूप आपका दूर चला जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न आपके जितने ज़्यादा होंगे किसी भी कॉइल में उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड क्या होता है, तो बच्चों सोलेनोइड क्या है, इट इज़ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक सिलेंड्रिकल कॉइल ली जाती है, ठीक है, जिस पर आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर आपका रैप्ड किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न इसमें रखे जाते हैं और जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं इस सेटअप में तो बच्चों ये आपका कैसा हो जाता है, एक सोलेनोइड की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देखेंगे बेटा आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनोइड में वो बिल्कुल सिमिलर होती है बार मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल फील्ड लाइन। इनसाइड द सोलेनोइड इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आपकी पैरेलल फील्ड लाइन की तरह शो करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स, यानी फैक्टर कौन कौन से फैक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डिपेंड करती है। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किस पे डिपेंड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड आपकी करंट पे डिपेंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल यूज्ड। इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं या फिर हम स्टील यूज करते हैं तो उस पर ही नेचर ऑफ मटेरियल पर ये डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं बाय पुटिंग द कोर मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज मेनी टाइम्स। अगर जो कोर मटेरियल, जो हम सॉफ्ट आयरन कोर का, ये जो ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है बच्चों, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको अगर हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो इसका जो है मैग्नेटिज्म आपका इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस इनसाइड ए सोलेनोइड,
It behaves like a strong magnet when a current passes through it. This device is called electromagnet. यानी बच्चों ये बिल्कुल आपका सोलेनोइड की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें आपका सेम वही होता है, बस इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल लेते हैं और सोलेनोइड बनाने के लिए आप एक कार्डबोर्ड का भी सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो सेम फैक्टर्स हैं बच्चों, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ टर्न टर्न पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मैग्नेटिज्म को हम बढ़ा सकते हैं करंट को इंक्रीज करके, और नेचर ऑफ मटेरियल को भी हम अच्छा लेकर इसके मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। अब यूजेस देखेंगे बच्चों आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के, बच्चों क्या क्या यूज़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करते हैं इन फैक्ट्रीज टू लिफ्ट द हैवी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू रिमूव द स्प्लिंटर फ्रॉम द आईज, ठीक है, ऑफ द पेशेंट, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स में एंड ट्रांसफार्मर्स में बच्चों इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ यूजेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो बच्चों एग्जाम में आपका डेफिनेशंस एंड इसके यूजेस भी आ सकते हैं, तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करें और इन्हें लर्न करें। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं? तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने यूज़ करी थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्म करेंगे एक परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है बच्चों? ए मैग्नेट विच मेंटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी जो रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट, यानी करंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं सर्किट से, अगर वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करती है मैग्नेट, तो हम उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक कॉलम में आपको दिखा रखा है, इफ वी पुट हार्ड स्टील कोर इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन साइड ए सोलेनोइड एंड स्विच ऑन द करंट फॉर सम टाइम, द स्टील कोर कन्वर्ट इंटू ए मैग्नेट, ए परमानेंट मैग्नेट। बट वैन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, द स्टील कोर डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, जो स्टील कोर है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करती है। दिस मीन्स डैट स्टील कोर जो है कन्वर्ट हो जाती है बच्चों परमानेंट मैग्नेट में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब आप सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल को हटाकर स्टील कोर जब आप लगाते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है यहाँ पर मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों आपका कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील एंड कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील को हम एज एन आपका कोर मटेरियल इस्तेमाल करके हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं किसी भी सोलेनोइड में। निपरमैग एंड एलनिको आर द टू इम्पोर्टेंट एलॉयज हुज परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। यानी बच्चों हम इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, यूज करते हैं, जो आपकी एलॉय से बनती हैं। एलॉय कौन कौन से होते हैं बच्चों? निपरमैग और एलनिको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ये निपरमैग आपका किस किस से मिलकर बना होता है, एलॉय और एलनिको? तो आप देख रहे हैं निपरमैग में आपको दिखाया है बच्चों मैंने, एलॉय होता है बच्चों ये आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम से मिलकर बना होता है। एलनिको जो है आपका, ये भी आपका एलॉय है, जो आपका एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन से मिलकर ये बना होता है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये था आपका परमानेंट मैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट क्या है, सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका यहाँ पर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किस किस तरह से लगता है और किस तरह से इसमें फील किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है एक सेटअप है, जिसमें आपका एक करंट का जो एक कंडक्टर है वो मैंने आपका जो है दोनों एंड से मैंने कनेक्ट किया हुआ है वायर से, और मैंने उस वायर के पास में एक मैग्नेट को मैंने प्लेस किया। ओके स्टूडेंट्स, इफ ए करंट आई इज फ्लोइंग अलोंग द वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर वायर परपेंडिकुलर टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एज या एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बच्चों ये आपका फोर्स फील होता है कंडक्टर पर, फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। और बच्चों साइन थीटा, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बच्चों? 90 डिग्री पर। जब आपका साइन 90 होगा तो आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट, एंड फोर्स आपका किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पर, एल पर एंड थीटा बिटवीन करंट एंड ईएमएफ पर, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। तो बी पर, आई पर और एल पर आपका फोर्स डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए बेटा सभी से।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल में आपको बताया बच्चों, अगर हम लेफ्ट हैंड को, अगर हम अपनी थंब फिंगर को, फिंगर फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएं, तो देन जो आपकी फोर फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो आपकी सेंटर फिंगर है वो आपकी किसको, सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, देन जो आपका जो थंब है वो आपका फोर्स ऑन द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया है, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बच्चों आपको एक न्यूमेरिकल भी बच्चों मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है फेंका गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चों करंट, करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो फोर्स आपका क्या आएगा बच्चों, इनटू द पेज आएगा आपका, ये आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट करें बेटा सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए डिवाइस डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सपीरियंस इज ए फोर्स डेट रोटेट द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह का सेटअप आपके सामने मैंने दिखाया है, ये आपका जो है किसमें होता है बच्चों, मोटर का आपका सेटअप होता है। दो आपके पास में पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें हम रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं, और रेक्टेंगुलर कॉइल बच्चों आपकी किससे जोड़ी जाती है, पी और क्यू आपकी स्प्लिट रिंग से कनेक्ट की जाती है, और स्प्लिट रिंग के साथ में आपका एक्स और ये वाई आपको कार्बन ब्रशेस आपको दिखाए हैं, और कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं बच्चों किससे, आपके बैटरी से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट आपका फ्लो हो गया, मैग्नेट फील्ड यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको निकालना है। तो बच्चों करंट फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, ये मैंने आपको जो फोर्स बच्चों आपको दिखाया है F1, इसमें आपका इनवर्ड आता है, और ये सेकंड फोर्स आपका F2, ये आपका आउटवर्ड आता है बच्चों, जिसकी वजह से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर करंट आपका इनवर्ड है, ठीक है, अगर आपका करंट जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो आपका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड थ्रेड में आपका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स आपका आउटवर्ड आएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो बच्चों यहां से कॉइल आपकी रोटेट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें आपको दिखाई हैं गई हैं बच्चों, आर्मेचर, स्प्लिट रिंग, मैग्नेट, ब्रशेस, बैटरी, तो उन सभी के बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जब आपके अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं बच्चों, तो आपका वहाँ पर जो है ये कॉइल रोटेट करने लगती है। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि आपकी स्प्लिट रिंग्स के क्या, आपके स्प्लिट रिंग्स के क्या फंक्शंस है, तो स्प्लिट रिंग्स आपका कम्यूटेटर की तरह काम करती है बच्चों, और वो आपका करंट को रिवर्स कराने में मदद करती है। जो ब्रशेस होते हैं बच्चों, वो आपके फ्रिक्शन फोर्स, लेस फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन ब्रशेस, जिसकी वजह से कॉइल आराम से रोटेट करती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से कॉइल आपकी रोटेट करती रहती है, और आपका मोटर की वर्किंग को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले समझाया था, इस थ्योरी को आप यहाँ से फिर देखकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इसके यूजेस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, इट इज़ यूज्ड इन पंपिंग ऑफ वाटर, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टॉयज। तो बच्चों यहाँ से काफ़ी सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों मैंने यहाँ पर दिखाया, हाउ कैन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज्ड। हम रोटेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों जो फोर्स लगता है आपका बिल साइन थीटा होता है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके एंड आपका करंट को इंक्रीज करके एंड नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं आर्मेचर कॉइल के रोटेशन को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो कार्बन ब्रशेस का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। कार्बन ब्रशेस मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद स्प्लिट रिंग्स विच एक्ट एज कम्यूटेटर एंड सप्लाई करंट फ्रॉम द बैटरी टू द आर्मेचर कॉइल। वो बैटरी टू द आर्मेचर कॉइल जो है वो करंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था पहले भी मैंने, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इनटू द मोटर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है बच्चों, स्प्लिट रिंग का जो वर्क होता है वो क्या होता है, रोल डेट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चों वर्किंग आपका इलेक्ट्रिक मोटर का। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आप इसे ध्यान दीजिए, माइकल फैराडे ने इसे क्या है बच्चों, इसे डिस्कवर किया था। इसमें एक कॉइल ली थी जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था, बैटरी नहीं थी बच्चों, एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को इस कॉइल से जो है कॉइल के अंदर मूव कराया, फिर हमने कॉइल को रेस्ट में रखा, फिर बार मैग्नेट को रेस्ट में रखा, फिर कॉइल को मूव कराया। तो बच्चों यहाँ पर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट जब हुई तो बच्चों कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे कॉइल में तो आपका इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड रिलेटिव मोशन ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल अगर हम इंक्रीज करते हैं तो भी आपका इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये था कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बाकी आप ये जो नोट्स हैं वो अच्छे से आप नोट करके आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में बच्चों अब आपको राइट हैंड आपको स्ट्रेच करना है, जिसमें आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आपका राइट हैंड पर होना चाहिए। इस पोजीशन में जो आपका फोर फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, ठीक है, एंड आपका जो थंब है वो मोशन इन द कंडक्टर को दिखाता है, देन जो मिडिल फिंगर है वो आपका इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को आपका परपेंडिकुलरली स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रोल क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर आपका करंट को डिटेक्ट करता है और सर्किट में वो आपको स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करके शो कर सकता है बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट है वो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे इस पॉइंट को यहां से एंड इसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका वेज टू इंड्यूस करंट इन ए सर्किट। तो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया बाय मूविंग ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास कोई कॉइल है, आप यहाँ पर जो कॉइल है, ठीक है, मूविंग ए कॉइल, हम कॉइल को मूव करा रहे हैं किसमें बच्चों? बार मैग्नेट के। हम बार मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, कॉइल को मूव कराएंगे, ठीक है। नंबर सेकंड आपका कंसेप्ट क्या है बच्चों? अब हम यहाँ पर जो है या तो आप मैग्नेट को मूव कराइए या आप कॉइल को मूव कराइए, रिलेटिव मोशन बिटवीन ईच अदर होगा तभी आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करेंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द नियर बाय कॉइल। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक कॉइल मैंने ली है, यहाँ पर कॉइल वन एंड सेकंड कॉइल ली है कॉइल टू। तो कॉइल वन को आपका बैटरी से कनेक्ट किया गया है, कॉइल टू को आपको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। जब हम कॉइल वन में जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ओके स्टूडेंट, जब हम करंट को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, करंट आई आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, तब आपका क्या होता है कॉइल वन के अंदर करंट जब प्रोड्यूस हुआ और जो सेकंड कॉइल है उसको हम नियर बाय रखते हैं, जिससे आपका जो सेकंड कॉइल के अंदर जो है वो आपका डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। बिकॉज क्यों होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, जब किसी भी कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जब दूसरी कॉइल उसके पास लेकर आते हैं तो बच्चों उसमें आपका फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने के बाद इंड्यूस्ड EMF यानी इंड्यूस्ड पोटेंशियल आपका जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट का डिफ्लेक्शन आपको सेकंड कॉइल में देखने को मिलता है और करंट का डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर में दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यही मैंने सब कुछ यहाँ पर नोट करके आपको दिया है और यहाँ पर बच्चों आपका इस चैप्टर का आपका कंप्लीट रिविजन हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स अपने यूनिट टेस्ट सेकंड की तैयारी अच्छे से करें, जो मैंने ये पूरी वीडियो आपको दिखाई है। अगर ये वीडियो अगर आप एक बार और देख लें या फिर अगर आपने नोट्स अपने कॉपी नोट कर रखे हैं उनको रीड करें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपका एग्जाम अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रिवीजन वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके यूनिट टेस्ट में एंड आल्सो फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको सेकंड नेक्स्ट चैप्टर का आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।